सो हे गाइस, वेलकम टू माय एक्सलॉग। गाइस, आज का मेरा वीडियो है आजम गिर की साइड का। और गाइस, मैं सुबह सुबह उठा तो हमारे सावाद भाई का फोन आया मेरे मोबाइल पे, तो ये बोले चलना है आजमगढ़। तो गाइस, मैं इनसे पूछा कि आजमगढ़ क्या होगा, तो गाइस ये बोले वहाँ पे बहुत ही बड़ी मार्केट लगती है और शायद कोई मेला वोला यहाँ पे था, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए गाइस वहाँ पे मेला है कि नहीं है। और यहाँ पे मतलब इनका काम भी था वहाँ पे। तो गाइस सुबह सुबह हम लोग निकल लिए आजमगढ़ के साइड पे। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम हम लोग जीएनपुर पहुंचने वाले हैं। और गाइस जीएनपुर मार्केट का जो एरिया मतलब वो मार्केट है गाइस, वो मार्केट का मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। गाइस मैं आपको बता दूं वहाँ पे तो भीड़ रहता है शाम के वक्त, मगर अभी दोपहर के वक्त हम लोग वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। दोपहर के वक्त का जाके हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर अली भाई की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इनकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अली भाई बहुत मेहनत करता है, लोगों को क्षेत्र की तमाम छोटी चीजें जो है दिखाता है आप लोगों को तक, और तमाम लोग क्षेत्र के बाहर भी है वो लोग भी देखते हैं इस वीडियो को। तो कोई नहीं, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारे अली भाई का बहुत कुछ समझ लीजिए बनेगा। और आप लोग कोशिश करें अली भाई को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए गाइस मार्केट आ गया, मैं आपको मार्केट का वीडियो दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है यहाँ का मार्केट और अभी लाठघाट का मार्केट है गाइस। ये अभी जीएनपुर से हम लोग जस्ट क्रॉस हुए हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये मार्केट है ना, ये भी मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है गाइस। अभी प्रेजेंट टाइम ज्यादा मतलब टाइम नहीं हुआ है, अभी मतलब दोपहर का मतलब वक्त है, तो इसके लिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पे मार्केट जो लगती है ना वो रोड ही पे लगती है। देखिए गाइस रोड पे कितनी सारी मतलब दुकानें भी खुली है और सबसे ज्यादा करके यहाँ पे ठेला वाले हैं, तो अपना फल फ्रूट बेच रहे हैं। और गाइस क्यों नहीं बेचेंगे गाइस, इनका धंधा है। और चलिए आगे चलते हैं गाइस, आपको कभी यहाँ पे आना हो घूमने के लिए। चला जाता है रौना पर गाइस, देखिए ये रास्ता चला जाता है रौना पार। गाइस यहाँ पे रौना पार है। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग सीधे आजमगढ़ से आ रहे हैं। अभी हम लोग आजमगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और हम लोगों को जाना है दोरीघाट। तो ये बता दे, रास्ता एक नंबर का है दोस्तों। अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो बहुत ही शानदार रास्ता ये है आप लोगों को। और आपकी सीएनजी गाड़ी है अगर तो दोरीघाट में आपको सीएनजी मिलेगा। पेट्रोल पंप काफी सारे यहाँ पे हैं। देखिए गाइस यही वाला रास्ता है और पूरा 4 लेन रास्ता है गाइस, सॉरी गाइस 2 लेन का रास्ता है। और आप कभी भी ये रास्ता अपनाइए, रात हो या मतलब दोपहर हो, तो बिंदास आप इससे चलिए एनी टाइम गाइस। ये वाला रास्ता ना आपको बहुत ही परफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं आप कब पहुंच जाएंगे दोरीघाट इस रास्ते से आपको खुद नहीं मालूम चलेगा गाइस। आपकी गाड़ी भी मेंटेन रहेगी इस रास्ते पे चलने में गाइस। कभी भी आपको जाना रहे इस रास्ते से हमारे बरहलगंज या दोरीघाट या गोला बाजार, तो ये वाला रास्ता अपना सकते हैं। प्रेजेंट टाइम गाइस हम लोग जा रहे हैं बरहलगंज की साइड। सो गाइस जो निकला है गोरखपुर से हाईवे बन के जाने के लिए बनारस की तरफ, उसी वाले हाईवे पे गाइस हम लोग चढ़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो हाईवे पे भी काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा हाईवे है, ये चढ़ेंगे कैसे गाइस? चढ़ेंगे अब चाहे जैसे भी चढ़ें। तो अभी चलिए उस हाईवे पे चलते हैं और देखते हैं कि उसका काम अभी बाकी है कि पूरा फाइनल हो गया है।